are you preparing for tea? तुम लोग गलत करने से पहले ही डिसलाइक शुरू कर दिए। कोई नहीं, चलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, ठीक है। अरे फेयरवेल मतलब अब गलत करेंगे तो अब मान लो इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्कोर 360 तो तुम लोग बोलोगे कि जब सर आपके नहीं आए तो हमारे कैसे आएंगे। तो अब मुझे 100% पता है कि मैं फुल मार्क्स स्कोर नहीं करूंगा क्योंकि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम का क्वेश्चन होगा और उसमें मेरा बैंड बच जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे 100% पता है। तो एनीवेज चलो देखते हैं, एनीवेज देखते हैं कि क्या सिनारियो होता है और क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। चल लेट्स सी हाउ आर यू डूइंग। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ एंड वील गेट स्टार्टेड, ठीक है। जो लोग नहीं जानते मुझे अच्छा है ना ही जाने। गाइज मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है, मैं आपको यहाँ नीट के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा इस लेक्चर का, और क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लस वाले बच्चे ने ही दिया है और प्लस वाले मेरा वीकनेस जानते हैं, मुझे क्या नहीं आता, और आई एम 100% श्योर ऐसा ही पेपर चूज करके दिया होगा जिसमें प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम या कॉकरोच के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ये आई एम 100% श्योर। तो चलो देखते हैं क्या होता है, राइट। आपको मैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाता हूँ जहाँ पे आप प्लस पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ पे मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स भी चल रहा है और क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आप उसमें से इनरोल कर सकते हैं। अगर आप ईयर लॉन्ग कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं फॉर नीट 2021 एंड नीट 2022 तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस पे आ सकते हैं या अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और यहाँ पे मेरा रेफरल कोड आनंद यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड आनंद यूज़ करेंगे और 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे। जैसे आप 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी गाइज आ जाओ फिर विल गेट स्टार्टेड, जल्दी जल्दी आ जाओ विल गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब जब कर रहे हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग सब आ जाओ सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड, ठीक है। रुको इसको एग्जिट करना पड़ेगा। कैसे एग्जिट होगा ये? हाँ एग्जिट हो गया ना, चलो ये गया, इसको क्लोज करते हैं। मेल पे रखा हुआ था मैंने तुम्हारा पेपर निकाल के, ये मुझे टेलीग्राम पे किसी प्लस वाले बच्चे ने भेजा है। किसने भेजा है? आई थिंक कोई सूरज ने भेजा था या किसी ने भेजा है, ठीक है। तो ये एलएन का पेपर है, ठीक है। यह है 29/21/2020 का, ठीक है। टाइमर बच्चों यहाँ पे 20 मिनट का ही लग पाएगा तो मैं 2 टाइमर लगाऊंगा, ठीक है। टाइमर बच्चों जो यहाँ पे है 20 मिनट का ही लग पाएगा तो मैं 2 टाइमर लगाने वाला हूं एंड वी विल गेट स्टार्टेड, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ, हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में मैं थोड़ा सांस ले लेता हूं और हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेल्थ आज डिपेंड करेगा ना, आज के बाद हेल्थ का क्या सीन होता है। एंड प्लीज गाइस जज मत करना, मुझे कॉकरोच नहीं आता है, ठीक है। मुझे प्लांट किंगडम में बहुत दिक्कत होगी तो तुम लोग ये नहीं बोलना अरे इसको ये भी नहीं आता प्लांट किंगडम, ऐसे नहीं, ठीक है। प्लांट किंगडम, कॉकरोच और क्या, और क्या, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अरे मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा कोई लास्ट क्लास नहीं है, तुम लोग पढ़ लोगे हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो 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 बेस्ट ऑफ लक सर। चलो तुम लोग भी साथ के साथ बनाना मेरे, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर करो इसको, सबको बुलाओ और तुम लोग भी साथ के साथ बनाना, मजा आने वाला है, ठीक है। तुम लोग भी साथ के साथ बनाना, मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे नीट की नई डेट देखना, यहाँ मेरा नीट निकल रहा है। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। चलो वी विल स्टार्ट इन 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 35 होता है, जैसे ये 35 होता है, 10:35 होता है, हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सेव किया सर ने, सेव किया ना, मूछ कटवाना था तो पहले ही कटवा लिया ना, लोग नाक कटवाते हैं, मैंने मूछ कटवा लिया। चलो चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी जल्दी शेयर करो इसको, शेयर करो, मजा आने वाला है, ठीक है। सब साथ मेरे सॉल्व करना क्वेश्चन एंड आई विल स्टार्ट विथ। चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैंने एक बस ये कंडीशन रखा था, पेपर एलन या आकाश का हो, कोई और होगा नहीं। तो चलो देखते हैं कैसा पेपर है। फुल सिलेबस ही है, मुझे तो लग रहा है फुल सिलेबस ही है शायद ये, है ना, ये फुल सिलेबस ही पेपर है, मेजर है तो फुल सिलेबस ही होगा, राइट। चलो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये टाइमर मैंने चला दिया, ठीक है। मेरे पास पेपर आया और ये टाइमर मैंने चला दिया, मैं 40 मिनट में पेपर आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है। 40 मिनट में मैं पेपर आपका सॉल्व करूंगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यार ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ये एक बस यही दिक्कत है कि ये सर पे कुछ ज्यादा लगेगा, है ना, बाकी तो ठीक है। चलो पेपर पे चलते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिक्स बायो 91 पे होगा ना,
हाँ जी 91 पे, चलिए 91 आ गया भाई। दिख रहा है आप लोगों को, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखते, मैं आपको बताते जाऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है, साथ के साथ, कि मेरे विजुअलाइजेशन में क्या चलता है या मैं कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। इसका कलर चेंज कर दिया जाए, कलर ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू इज शुभ थोड़ा, ठीक है, तो ब्लू कर लेते हैं कलर। चलिए ठीक है, लेडिक सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, तो FSH तुम्हारा एक वो उस पर सटोरी सेल पे काम करता है, गलत हो गया। GnRH हाइपोथैलेमस हो गया, गलत हो गया। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, गलत हो गया। तो आंसर हो गया ICHH या LH। अगर मुझे ICHH नहीं भी आता तो भी मैं तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके काम कर लेता। पहला क्वेश्चन हो गया डन, ठीक है, इस पर टिक लगा देता हूं मैं, ठीक है। इफ वी रिमूव ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स फ्रॉम बोथ द किडनी ऑफ ह्यूमन, देन यूरिन विल बी, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, लेस डाइल्यूट नहीं होगा, डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड एक ही है ये दोनों, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ये हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कलेक्टिंग डक्ट निकालें तो भी यूरिन फॉर्मेशन तो होगा ही। आंसर इसका ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैक्सिमम री अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन टेक्स प्लेस। अब्जॉर्प्शन मुझे लग रहा है ये री अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो री अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले 60 से 70% PCT में होता है, इधर तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया यार, थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, चलिए अगला। ओ ये तो पंगा पड़ जाएगा, ये तो टिक मार्क लगाओगे तो ये आगे चला जाएगा यार, ये एक पंगा पड़ गया, ये मैं टिक मार्क लगाऊंगा तो इस पे आगे चला जाएगा। क्या करूं इसका, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि इसको इस तरह से करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। एनीवेज चलो कोई नहीं, मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आंसर की लिखते जाता हूँ, मैं पेपर पे लिखते जाता हूँ ताकि फिर बाद में हम मिला पाएँ, है ना, ताकि फिर बाद में हम मिला पाएँ। मैं आंसर की पेपर पे लिखते जाता हूँ बच्चे, ठीक है, मैं आंसर की पेपर पे लिखते जाता हूँ ताकि बाद में हम मिला पाएँ, ठीक है, क्योंकि इस पर तो लिखूंगा तो मैं आ जाएगा, ठीक है। तो 91 का है, लिख लो तुम लोग भी, बाद में बताना कितने गलत हुए या कितने सही हुए, तुम लोग बताना सही हुए कि नहीं, ठीक है। 91 का हो गया डी, मैं सीक्वेंस वाइज लिखते जाता हूँ, जिसमें मुझे डाउट होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 91 का हो गया डी, 92 का हो गया सी, ठीक है, अच्छा 93 का हो गया ए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें अब ये पंगा पड़ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसको इरेज करो, इरेज ऑल इंक स्लाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 93, हाँ यार ये बड़ा पंगा हो रहा है, ठीक है, 93 हो गया, 93 मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया, 94 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ATP NADP, ये नॉन साइक्लिक है, NADPH होगा नहीं, O2 होगा नहीं, आंसर होगा बी, 94 का बी, ठीक है। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल कौन सा होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल, G1S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। हाँ ठीक है, G1S, G2 पहला ही सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। 95 का ए। 96, बर्ड विथ लिजर्ड लाइक टेल, बर्ड विथ लिजर्ड लाइक टेल, ये तो मैंने पढ़ाए थे आज, मिसिंग लिंक होगा इसका, आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा, ये तो एनेलिडा वाला है, पेरिपेटस वाला गया, ये भी गया, 96 का ए, ठीक है। 97 आंसर तुम लोग भी साथ के साथ लिखते जाओ, विच हॉर्मोन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ टू स्टिमुलेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट, जो गैस्ट्रिन और सीसी के गया, GIP इनिबिट करेगा, आंसर हो जाएगा बी, 97 का बी। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन तुम्हारा मैलवेसी फैमिली में आ गया, तो कैसिया गया, एस्पैरेगस गया, कैलोट्रोपिस गया, आंसर हो जाएगा सी, 98 का सी। 99, लार्जेस्ट रिजर्वायर, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का क्या होता है, डीप ओशन ट्रेंचेस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है, आंसर हो जाएगा सी, 99 का सी। स्प्लाइसोजोम्स आर 100, स्प्लाइसोजोम्स आर नॉट फाउंड इन, पूछ रहा है नॉट, नॉट लगा दिया तो, नॉट लगा दिया तो स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है तुम्हारा बैक्टीरियल सेल, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल, 100 का सी, ठीक है, 100 का सी। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट्स एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस लूटियम, ये तो ठीक है, ये तो कॉर्पस लूटियम होगा, 101 का बी। मैच द फॉलोइंग, टार्सल्स, टार्सल 7 हो गया, ठीक है, फेलेंजस 14, कार्पेल 8, फीमर 1, ठीक है, तो फीमर 1, ठीक है, कार्पेल्स 8, तो 4 का 1, ए 4, डी का 1, ठीक है, सी का 2, यार इसको मार्क करेंगे नहीं तो फिर अजीब सा हो जाता है,
ए का फोर, पहले ए का फोर करो, ए का फोर यहां पे आ गया, पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन नहीं है ठीक है। बी का टू, बी का थ्री, ए का फोर बी का थ्री, ये दोनों गया बी का थ्री ठीक है। सी का टू, सी का टू, ये आ गया सी, आ गया आंसर ठीक है, 102 सी ठीक है। चूज द इनकरेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच क्या है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है, माइकोप्लाज्मा लैक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल लैक करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो बी हो जाएगा, 103 का बी। इजी क्वेश्चन है यार। व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस, ईस्ट फर्मेंट करता है तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं विल गिव C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी, सी बिल्कुल सही, 104 का सी, 104 का, 104 का सी ठीक है। 105, गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट्स टर्मिनाइज, तुम लोग भी आंसर देते रहो, तुम लोग भी आंसर देते रहो ठीक है। गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा अकर्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा कहाँ होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा डाइकाइनेसिस में होता है ठीक है, ये तो हमको पता है ठीक है। दूसरा, क्रोमोसोम बिकम फिल्ली कंडेंस मियोटिक स्पिंडल इज अटेंड एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ ठीक है ना, पहले से ही पता चल रहा है, आंसर आंसर हो जाएगा डाइकाइनेसिस, बी हो जाएगा ठीक है। 105 का बी, बहुत ईजी पेपर है यार, ये हमको लगा ये लोग दुश्मनी निकालेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स डायनासोर, जुरासिक हो गया, फिश डेवोनियन हो गया, एम्फीबियन हमको पता नहीं है पर चलो कोई कार्बोनिफेरस ही हो जाएगा ठीक है। तो ए का थ्री, ए का सी, ए का सी ऑप्शन एलिमिनेट करो, यहीं से आ गया ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, 106 का सी ठीक है। तुम लोग आंसर बताना बाद में सही है या गलत है ठीक है, 106 का सी। 107, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स फलेरिया हो जाएगा ना, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स हो गया ना, बाकी सारा तो नहीं होगा तो बी हो जाएगा है ना, 107, 107 का बी, 108, 12 मिनट अभी बचा हुआ है। विच ऑफ द इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, लेमन हैज एक्साइल प्रेजेंटेशन, याद हमको ये सब याद नहीं रहता, बट यहां पे क्या है, ग्राम हैज एंडोस्पर्मिक, ग्राम तुम्हारा डाइकॉट होता है, डाइकॉट में शायद नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है ठीक है, आई विल गो विद सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, 108 में मैं डॉट लगा रहा हूं ठीक है, 108 में आई एम नॉट श्योर बट आई विल गो विद सी, लेट्स सी आंसर क्या होता है ठीक है। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू नीश, यार लग गया मेरा, नीश इंक्लूड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नीश तो पूरा सब कुछ एनवायरमेंट हैबिटेट हो जाएगा ना, नीश ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, आई विल लीव दिस क्वेश्चन, 109 मैं छोड़ूंगा, 109 मैं छोड़ूंगा, अभी देखूंगा इस पर ठीक है, आई विल कम बैक टू 109 ठीक है। द जीनो टाइप ऑफ एन हस्बैंड ए बी, तो रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो मैंने कराया है क्लास में, ए बी बी ठीक है, तो कितना जीनो टाइप हुआ, कितना फिनो टाइप हो गया, तो आई ए आई बी, आई ए आई बी को मल्टीप्लाई किए, आई बी और छोटू आई, तो ए बी, ए बी और ये भी तो बी हो जाएगा ना, तो तीन तुम्हारा फिनोटाइप हो जाएगा और आई बी 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 और चार जीनोटाइप हो जाएगा ठीक है, तीन तुम्हारा फिनोटाइप हो जाएगा, तीन फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप है, चार जीनोटाइप, तीन फिनोटाइप कोई ऑप्शन ही नहीं, तीन फिनोटाइप चार जीनोटाइप ठीक है, सी हो जाएगा हाँ ठीक है, 110 का सी हो जाएगा, 110 सी ठीक है। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स डेसिकेशन, डेसिकेशन तो तुम्हारा ये आ गया ना, एमनियोट फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड तुम्हारा डेसिकेशन प्रिवेंट करेगा ठीक है, 111 का वन ठीक है, 112 पे आते हैं, 112, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन लैक्स निसल ग्रैन्यूल्स, निसल ग्रैन्यूल्स, निसल ग्रैन्यूल्स तुम्हारा इधर पूरा साइटोन में प्रेजेंट होगा तुम्हारा ठीक है, साइटोन में प्रेजेंट होगा तुम्हारा, तो लैक्स निसल ग्रैन्यूल्स तुम्हारा एक्सॉन्स आ जाएगा ना, एक्सॉन्स में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 112 का सी, ह्यूमन फिजियो में गलत हुआ था, मेरा इज्जत का लंका लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एल्गेज हैव एम्ब्रियो, आई एम नॉट श्योर एल्गेज हैव एम्ब्रियो, एल्गेज में एम्ब्रियो होता है, चलो देखते हैं ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैव टिश्यू, सब कुछ टिश्यू का बना होता है, सेलुलर नहीं है तो टिश्यू होगा। टेरिडोफाइट्स हैव वैस्कुलर टिश्यू, ये भी टेरिडोफाइट से ही शुरू होता है वैस्कुलर टिश्यू, ये भी ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैव सीड, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड कहते हैं, तो ये तीन ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, आंसर ए आ जाएगा, 113 का ए, 113 का ए। 114 देखते हैं, मैच द कॉलम, अरे यार प्लांट ग्रोथ शिट, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम वन, कॉलम वन ऑक्सिन से आया तुम्हारा, ऑक्सिन से आया तुम्हारा एपिकल डोमिनेंस, और एपिकल डोमिनेंस आ गया ऑक्सिन से, वन का टू, वन का टू ठीक। गिवरलिन तुम्हारा आया, गिवरलिन तुम्हारा आया किसका, गिवरलिन तुम्हारा आया इंटरनोड इलोंगेशन, टू का, वन का टू, वन का टू, टू का थ्री,
ठीक है, थ्री का वन और फोर का फोर, फोर का फोर, फोर का फोर, टू थ्री वन फोर, टू थ्री वन फोर, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 114 का सी, 115 द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम सिंथेसिस, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल, द सीक्वेंस बाय ऑफ विच द इवेंट, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट किया, अच्छी बात है, ठीक है, जीनोम सिंथेसिस एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल eventually divides into two daughter cells, sequence of पूरा सेल साइकिल ही हो जाएगा ना इसमें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, सिर्फ एम फेज हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, सेल साइकिल ही हो जाएगा, सेल साइकिल में एम फेज सब कुछ आ गया ना, आई थिंक डी होगा, 115 का डी है, आई एम नॉट श्योर इस पे, मैं 109 और 115 में आई एम नॉट श्योर, चलो देखते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्वेशन इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल रहा है तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा, टू हो जाएगा, 116 का बी, ठीक है, 117 नॉट ए ओपॉइड, नॉट ए ओपॉइड, ओपॉइड नहीं, मरिवाना नहीं है ना, डी, 117 का डी, 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एपिकल होता है, मार्जिनल होता है, ये तो चलो इंटरकैलरी, ये दोनों तो प्राइमरी है, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर बीच में हुआ तो ये भी प्राइमरी है, यहाँ ठीक है, डी हो जाएगा, 118 का डी, ठीक है, 119 टाइम अप हो जाएगा तो बताना बच्चों, पिरामिड्स ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट, बायोमास क्या दिखाता है, बायोमास ऑर्गेनिक मैटर दिखाता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो तो नहीं होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट नहीं दिखा रहा, प्रोडक्टिविटी तो है लेकिन रेट नहीं दिखा रहा, स्टैंडिंग स्टेट इनऑर्गेनिक होता है, स्टैंडिंग क्रॉप ऑर्गेनिक होता है, आई विल गो विथ वन, आई विल गो विथ वन, आई एम नॉट वेरी श्योर इसमें भी, ठीक है, चलो 119 पे भी मैं मार्कर लगा देता हूँ, बाद में इसको रीवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो, 19 के बाद 20 आएगा ना, हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स कट डीएनए मॉलिक्यूल एट, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस स्टिकी एंड लाएगा तो मतलब न्यूक्लियोटाइड को काट रहा है, तो फॉस्फेट ग्रुप भी कट रहा है और बेस पेयर भी कट रहा है, तो बिटवीन फॉस्फेट एंड बेस, बिटवीन टू बेस पेयर, टू बेस पेयर नहीं, बिटवीन शुगर एंड बेस, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, यार ये कंफ्यूजिंग हो गया, 120 ये कंफ्यूजिंग हो गया, मैं 120 को फिर से रिविजिट करूंगा, ठीक है, मेरा 120 को प्लीज जज मत करना यार, ये सब मुझे आना चाहिए लेकिन मैं रिविजिट करूंगा, थोड़ा नर्वस भी हूँ, ठीक है, 121 इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द सेकंड मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकंड मियोटिक डिवीजन, मेल जर्म सेल तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ये बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड है, हाँ डी हो गया, 121 का डी, अगर मेरा 360 हो गया ना तुम लोगों को लेमन जूस खिलाएंगे, एन ए प्लस के प्लस पंप नीड्स एनर्जी टू वर्क, एक्सपेल्स 3 Na+ प्लस फॉर एवरी 2 Ke आयन इंपोर्टेड, वर्क्स अगेंस्ट अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेंटेन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो सारा ही सही है, ऑल आर करेक्ट ना, वही तो बोले सारा ही सही है, तो अच्छा 122 का, 122 का डी, ठीक है, 123 रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड प्रोटिस्टल, लो आ गया ना, इसमें पिलाई नहीं होगा, प्लेप्टिडोग्लाइकन आई एम नॉट वेरी श्योर होगा कि नहीं होगा, पेलिकल तो होगा, पेलिकल यूग्लिना में हो गया, स्यूडोपोडिया एमीबा में हो गया, स्यूडोपोडिया एमीबा में हो गया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो ये भी इधर ही आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 होगा आंसर, इसका 2 होगा, ये गलत भी होगा तो मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर ये गलत भी होगा तो, ठीक है, इसका आंसर 2 हो गया, ठीक है, बी मान लेते हैं, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, इसके बारे में मैं तुम लोग से पूछूंगा, बाकी तो इसके बारे में श्योर हैं, ठीक है, 124 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, इस पर ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफरेज हो जाएगा, 124 का 2, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछ रहा है, हट, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए होगा तो कार्डियक साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये हो जाएगा, 125 का बी, ठीक है,
क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रोमैग्नन मैन 1650 सीसी, तो पता है ह्यूमन हो गया ये होमो हैबिलिस हो गया ये तुम्हारा, और उसके पहले वाला है ना, तो 1650 होता है तुम्हारा क्रेनियल कैपेसिटी, सबसे मैक्सिमम होता है क्रोमैग्नन का, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये तो पता है, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, जेनिटल वॉर्ट्स वायरस, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, डी, ठीक है। ये सब तो हम ऐसे बना देंगे, 127 का डी, 127 का डी, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू, कॉम्प्लेक्स में जाइलम होता है, ये तो पहले प्राइमरी जाइलम क्यों दिया है, प्रोजेनकाइमा तो उसका बन के होता है, कॉलेनकाइमा भी मॉडिफिकेशन है, पैरेनकाइमेटस का ही तीनों मॉडिफिकेशन मुझे जहां तक लग रहा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 128 का डी, ठीक है। 129, इन द बायोस्फेयर रिजर्व देयर इज थ्री जोन्स रिप्रेजेंट इन द डायग्राम, विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट टू रिप्रेजेंट दीज थ्री जोन्स, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होता है, बफर जहां पे लिमिटेड होता है, कोर में जहां पे कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन इज नॉट अ प्रोटेक्टेड एरिया, चलो इस पर बात कर लेंगे। ट्राइबल मैन एक्टिविटीज एंड देयर हंट्स आर अलाउड इन ट्रांजिशन जोन, बफर जोन में होता है ना शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है, कोर जोन इज ऑक्युपाइड बाय इंडेंजर्ड ओनली बाय इंडेंजर्ड स्पीसी, ऐसा जरूरी नहीं है, कटिंग ऑफ ट्रीज इज अलाउड इन ऑल थ्री जोन, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोर जोन इज ऑक्युपाइड ओनली बाय इंडेंजर्ड स्पीसीज, कोर जोन इज ऑक्युपाइड ओनली बाय इंडेंजर्ड स्पीसीज, कोर में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता इतना मुझे पता है, चलो इसको देख लेंगे, 129 मैं रिव्यू करूंगा, 129 आई विल रिव्यू अगेन, ठीक है, बाद में आएंगे इस पे, ठीक है, ये सब जुगाड़ से बनेगा। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन कंपोजिशन एक्स वाई वाई, ठीक है, तो 22, 23 और 24, 24 हो जाएगा इसमें, तो सेम ह्यूमन वाला हो जाएगा, 130 का जेकब है ना, 24 वन हो जाएगा, ठीक है, 131 टाइम हो जाएगा तो बताना बाबू। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पार्चुरेशन, इनकरेक्ट 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 पूछ रहा है, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप फीटस सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, डिक्रीज कैसे होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ जाएगा ना, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 131 का डी हो जाएगा, ठीक है। 132, कंसिडर द फॉलोइंग बॉडी एक्टिविटीज रिगार्डिंग द रेगुलेशन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी रिगार्डिंग द रेगुलेशन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कार्डियोवैस्कुलर तो तुम्हारा मेडुला से हो जाना चाहिए, गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी मेडुला से हो जाएगा और रेस्पिरेशन भी तुम्हारा मेडुला से जाएगा, तो ए बी और ई है क्या ऑप्शन, ए बी एंड ई बाय मेडुला, आई थिंक ऑप्शन आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, 132 का डी, ठीक है, ह्यूमन फिजियो में गलत ना हो भाई। एगेरिकस फाइको बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, एगेरिकस तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटिस हो जाएगा ना, बी तो ईजी है, चलो यार तुम लोग मेरा इज्जत बचाओ जो प्लस वाला बच्चा है। 33, 34 ये बॉटनी जुअलॉजी करके या अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस एन ऑर्गेनेल विथ इज फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत, न्यूक्लियर सेलुलर इसमें बिल्कुल गलत, वैक्यूल स्टोरेज, ठीक है ना, करेक्ट पूछ रहा है ना, वाह डी, ठीक है, सबको पार्टी देंगे हम उन लोग वाले को। काइमोट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, देखो एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को करता है, बाकी सबको ट्रिप्सिन करता है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ये तो हमको पता है, एंटेरोकाइनेस से फिर सी हो जाएगा ट्रिप्सिन, 135 का सी, 32nd है ना, 36, 35 हो जाएगा तो बता देना। इनकरेक्ट मैच, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज टूल मेकर डिस्कवर्ड इन इथोपिया ऑस्ट्रेलिया लूसी, ये तो टुएंग बेबी और लूसी, ये तो ठीक है, ठीक है, होमो इरेक्टस इथोपिया ये पता नहीं है, होमो हैबिलिस टूल मेकर था, होमो हैबिलिस हैंडीमैन या टूल मेकर था, ठीक है, आई थिंक लैंग्वेज नहीं आएगा इसमें, नियंडरथल में लैंग्वेज का कैसे आएगा, लैंग्वेज ये लोग नहीं बोलता होगा, आई थिंक वन होगा, 136 आई विल रिव्यू अगेन, 136 आई विल रिव्यू अगेन, वन होगा, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचेस इनकरेक्टली, चलो मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ 20 मिनट के लिए, ठीक है, आई हैव 20 मिनट्स मोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यार 145 भी नहीं किया, कैसे 180 कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलम इज नॉट करेक्टली मैच, आई जी जी बॉडी फ्लूड, बॉडी सर्फेस, ब्लड स्ट्रीम, डी तुम्हारा होता है, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट करता है, तो डी हो जाएगा, ठीक है, 137 का डी हो जाएगा, ठीक है। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कोजॉइंट मोनोकॉट स्टेम, ठीक है,
इसका सी हो जाएगा, मोनोकॉट स्टेम ही है ना, हाँ, वैस्कुलर इंडिया सेकेंडरी मेरिस्टेम स्टेम ऑप्शन होता है, मोनोकॉट स्टेम हो जाएगा ठीक है। 138 का सी ठीक है। इन रिवेट पॉपर हाइप, तुम लोग मेरा आंसर लिखते जाओ ताकि बाद में हम कोई चोरी ना कर पाए। इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, विंग रिवेट ऑफ एन एरोप्लेन इज, तो कीस्टोन स्पीसीज, इंपॉर्टेंट स्पीसीज होगा ना, कीस्टोन स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज नहीं था, कीस्टोन स्पीसीज था, इंपॉर्टेंट स्पीसीज को निकालोगे तो विंग रिवेट आ गया, रिवेट्स ऑफ द विंग। 139 का डी। 140 गिवन बिलो इज एमआरएनए स्ट्रैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गिवन बिलो इज एन एमआरएनए स्ट्रैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, 5' टू 3' दिया है, ये AUG है और एक UAG है, इसके बीच में कोडिंग सीक्वेंस है, तो हमको क्या चूज करना है, हमको समझ में नहीं आया। गिवन बिलो इज अ एमआरएनए स्ट्रैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेप्लीकेशन तो होगा नहीं, एमआरएनए से रेप्लीकेशन क्यों होगा। ट्रांसक्रिप्शन हो गया क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप कोडन लग गया यहां पे, ये तो एमआरएनए बना हुआ, ये तो एमआरएनए बन गया, तो ट्रांसलेशन ही होगा ना, बी होना चाहिए। 140 का बी, भगवान जाने ये तो लॉजिकल लग नहीं रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, चलो इस पर भी स्टार लगा देते हैं। भाई यार हमको 300 नंबर भी नहीं आएगा। चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो तुम्हारा इनिबिन होगा, इनिबिन तो होगा ही होगा ठीक है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुम्हारा क्या होता है, इनिबिन देता है, चेंजेस इन GnRH, चेंजेस इन GnRH इनिबिन, और इधर इधर आ जाएगा ईस्ट्रोजन और इनिबिन होना चाहिए था, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कैसे है, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन ऑल फीमेल, इन ऑल फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, चेंजेस इन GnRH, अगर GnRH को इनिबिट कर रहा है तो इनिबिट में तो इनिबिन आ जाएगा तुम्हारा, जो इनिबिट करता है, आई थिंक डी होगा, आई थिंक डी होगा, बट पता नहीं अंदर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी लगा, ये कॉलेज का क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बता रहा है, क्या बता रहा है पता नहीं, सी और डी में आई एम कंफ्यूज ठीक है। 141 का आई विल सी, आई विल सी सी एंड डी के बीच में कुछ एक देखेंगे इसमें ठीक है। चलो जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। 142 द इनर लेयर ऑफ आई बॉल इन रेटिना, इनर लेयर ऑफ आई बॉल तो सिंपल है, फोटो रिसेप्टर, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लियोनिक ठीक है, सी हो जाएगा। 142 सी, सी सीधा ही देखना है ना, हाँ ठीक है ना, सीधा है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड होता है, हाँ ठीक, यूरासिल पिरिमिडिन, थायमिन यूरासिल ठीक, ग्लाइसिन सल्फर नहीं, ग्लाइसिन तो एच होता है, यहाँ पे यही गलत हो गया, आंसर हो गया सी। 143 का सी। 144, लेट्स सी 144, सेल्यूलर ऑर्गेनेल, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लाइजोजाइम में होता है मेम्ब्रेन, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ठीक है, ये तो ठीक है। न्यूक्लियाई राइबोसोम, राइबोसोम्स में नहीं होता, यहाँ ठीक है ठीक है, पहला ही आ गया ना, इसमें सोचना क्या, लाइसोसोम्स में होता है, गॉल्जी में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिंगल डबल बोला नहीं है, तो आंसर 144 का ए आ जाएगा ठीक है। यार बहुत टाइम पीछे चला रहा है। फोर चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड, ला आ गया। पिस्टिकुला, ये तो पैरट होता है ना, ये पैरट होता है, ये प्लैटिपस होता है, नेफ्रॉन मुझे लग रहा है वल्चर या ईगल कुछ होता है, तो प्लैटिपस तो नहीं हुआ, प्लैटिपस में तुम्हारा पिन्ना नहीं है ठीक है, ये गया, इस ये तीन दोनों बर्ड है, तो दोनों बर्ड में होमोथर्मी नहीं होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, आई थिंक ये चमगादड़ है, आई विल गो विथ सी, आई थिंक ये चमगादड़ है। चलो 145 का सी, 145 का सी। 146 प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ, ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है, 146 तो बनाया हुआ क्वेश्चन ए। 147 पार्शियल डिसलेक्शन, पार्शियल डिलीशन, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, तुम लोगों को कराए थे, कराई डू चैट। 147 2। 148 स्ट्रक्चर, ये तो मोनोकॉट, वो लीफ का है, फिगर ऑफ अ लीफ फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, हाँ ठीक है बी। 148 का बी ठीक है। 149 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखना ही नहीं है ठीक है। 149 का ए, सेरीन, सेरीन CH2OH, CH3 तुम्हारा उसका होता है। 150 का बी, 150 का बी। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी, टेस्ट ट्यूब बेबी में बाहर होगा, तो ये गलत हो गया ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी एंड डेवलपमेंट इनसाइड फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन इन सरोगेट मदर, नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल नहीं, बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आउटसाइड फीमेल, नहीं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी एंड डेवलपमेंट इनसाइड फीमेल, फर्टिलाइजेशन हाँ ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में फर्टिलाइजेशन इधर होगा, डेवलपमेंट अंदर होगा, टू होना चाहिए टू। 151 का टू। 152 आइडेंटिफाई द आर्थ्रोपॉड, लंग फिश तो है नहीं, स्टार फिश तुम्हारा इकाइनोडर्मा आता है, सिल्वर फिश दीमक होता है ना, आई थिंक सिल्वर फिश ही हो, कटल फिश भी, कटल फिश क्या होता है,
नहीं कटल फिश तो वो हो गया, हाँ ठीक, नहीं कटल नहीं हो, टू होगा, टू होगा, 152 का टू, प्लीज यार इज्जत बचा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड, तो दिख रहा है 153 का वन काइनेटो कोर, 154 का टू, जल्दी 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 बेटा, 55, 55, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन लिंक्स फंक्शन ही प्लाज्मोडेस्माटा की तरह काम करता है, गैप जंक्शन हो गया ठीक है, 155, बस इसी तरह का क्वेश्चन आते जाना मजा आ जाएगा। असील, असील होता है कैटल वाला तो है ही नहीं, बफेलो मुर्रा था, एपिस तुम्हारा अलग मलबरी होता, आई थिंक इट विल बी पोल्ट्री, 156, आई एम नॉट श्योर, आई विल गो अगेन, इसका वन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, आई विल सी इट अगेन। सब यूनिट वैक्सीन, BCG टॉक्साइड, IPV नहीं, MMR नहीं, MMR भी तुम्हारा एट्यूनेटेड हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया ठीक है, हेपेटाइटिस भी रिकॉम्बिनेंट और दोनों होता है ठीक है, 157 का डी, ये तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज बिटवीन बेनिफिटेड, वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज हार्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, म्यूचुअली प्लस 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 जीरो माइनस जीरो और प्लस माइनस, फोर्थ 158, 158 में डी। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरी हेलाइन हो गया ना, नैरो स्टीनो होता है, ये यूरी हो गया, 159, 159 सेवन आता है इसका एग्जाम्पल ना, हाँ वन ए, 160, यार 13 मिनट ही बचा है, 20 क्वेश्चन करना है। इनकरेक्ट मैच, रोजी ट्रांजनी को मॉली डॉली था ना, यही तो हो गया, डॉली था ना, ट्रेसी मुझे आई एम नॉट श्योर, एंडी तो पता है पहला ट्रांजेनिक मंगी था, ट्रेसी और मॉली नहीं है, ट्रांजेनिक शिप डॉली था इतना मुझे याद, 160 का बी, 160 का बी राइट। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोड बाय पार्टी लैक्टेशन अमोनोजिया, अपना सी है ना, 161 का सी ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज फाउंड इन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, 162, 162 का ए। द कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा मेनली डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, 163 का ए। 64, 64, 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन गलत, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉल गलत, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डाइजेशन ऑफ किसी का भी डाइजेशन होगा ना तुम्हारा, तो डी, 168 का डी ठीक है, 164 है ना, सॉरी 164 का डी, अभी तो गड़बड़ हो जाता, 165 लेट सी, अब पेरीप्लेनाटा आ गया ना, कॉकरोच हमको पता था ये करेगा, यूरिकोटेलिक गलत, सर्वेटोफोर्स आई थिंक ये सही है, आई थिंक इसका ए होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये गलत होगा, होने दो कोई दिक्कत नहीं, 165 का ए मैं तुक्का मारूंगा, क्योंकि ये दो तो सही है, 2000 ऑक्सागेनोल हेमोटिया होता है, ए मारेंगे, 165 का ए, ये मुझे पता है गलत होगा। प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल बाहर निकल गया, बीमार हो गया, एक्सोथैल्मिक गोइटर ठीक है, ये तो सही है, 166 का बी। फेसिकुलेटेड रूट एस्पेरेगस ठीक है, शोज मोडिफाइड हाँ ठीक है, 167 का ए। सिनिकोलॉजी स्पीसीज का हो गया, स्पीसीज इकोलॉजी और पॉपुलेशन का, तो आंसर 2, 168 का बी, ये सब तो कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। 169 बायो मैग्निफिकेशन, इंक्रीज कंसेंट्रेशन करेगा सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे ठीक है, यूट्रॉफिकेशन नेचुरल एजिंग आ गया, यार इसमें दोनों गड़बड़ हो गया, केमिकल वेस्ट, चेंजेस ऑफ केमिकल वेस्ट, इंसिनरेशन तो बर्न करना होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट, इंसिनरेटर आग लगाते हैं, इंसिनरेशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट, आई थिंक डी का 4 है, आई थिंक ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं, डी का 4 है, सी का 3 है, डी का 4 सी का 3, चलो ये लोग तो ऐसे भी किया है, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा ठीक है, ए का तो बी है, ए का तो बी है, यहाँ से यहीं आ गया ऑप्शन ठीक है, ए का तो बी है, बी का 1 है ठीक है, सी का 3 और डी का 4, आई थिंक आई विल गो विथ 2, आई विल गो विथ बी, पता नहीं यार सही होगा कि नहीं, 169, 169 बी ठीक है। प्रो इंसुलिन ए बी सी तीनों पेप्टाइड होता है, 170 का ए, 170 का ए ठीक है। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस तुम्हारा आ गया, ज्वाइंट सिस्टोल होता नहीं है, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल होना चाहिए, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं होगा, एट्रियल सिस्टोल ज्वाइंट डायस्टोल फिर गलत है, तो आंसर यही होगा बी हो गया ना, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल डायस्टोल फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ये आ गया 2, 171 का 2। पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, पेस मेकर है, पेस मेकर ऐसे नोड हो गया ठीक है, 172 का 2। फंक्शन ऑफ लेग हिमोग्लोबिन, वो डी ऑक्सीनेटेड करता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन प्रिवेंट करता है, तो 173 का 2 ठीक है, 172। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन,
क्रॉसिंग मियोसिस 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 वन या टू, चलो कोई नहीं कोई नहीं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स, मियोसिस वन में होगा ना, टू कहाँ से होगा, क्या कहते हैं यार, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ 174, मेरा दिमाग ही घूम गया था अभी, 174 का टू टर्म प्रोटोसेल, प्रोटोसेल में सीओ सर्वेट्स और माइक्रोस्पेयर्स आ जाएगा, 175 का डी, अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज एंड कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है तो ग्लूकागन हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया है ना, तो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकागन सॉरी इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, अरे मेरा क्या हो गया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन अगर कम होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो ये ब्लड शुगर बढ़ा रहा है तो हाइपरग्लाइसिमिया डी हो जाएगा, बाप रे बाप, यही होता है प्रेशर, यही देखो प्रेशर, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरा बैंड बजता है, यही होता है प्रेशर बेटा, यही होता है प्रेशर, देखो ठीक है, पेरिगानियस प्लम पीच रोज, पता है मुझे प्लम पीच रोज, ये बहुत कराया तुम लोग को, 177 ए, मोस्ट डेवलप स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मल्टी लेयर्स होता है, 178, 178, 8 मिनट बचा है मेरे पास, 8, 179, नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सओ, एक्स एक्स होता तो एक होता, एक्सओ है तो जीरो, जीरो है ना, 179 जीरो, ठीक है, मतलब डी, 179 का डी हो गया, ठीक है, 180 मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, इजी है, टू, 180 का बी, अब देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन नंबर चेंज करना है, कौन कौन क्वेश्चन नंबर चेंज करना है जल्दी देखते हैं, कौन कौन क्वेश्चन नंबर चेंज करना है जल्दी देखते हैं बेटा, 108, 108, 109, 108, 109, 119, लेट्स सी, हमको चेक करना है 108, 109, 119, मेरे पास 7 मिनट है, 119, 120, 120 और 123, और चलिए बाकी देख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं, 108, 108, जल्दी 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 आओ यार, अरे यार ये तो, ये देखो ये तो एग्जाम में नहीं होता ना, ये तो धोखा हो रहा है मेरे साथ, जल्दी 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 जल्दी, 108, 108 आओ भाई जल्दी, इतना टाइम नहीं मेरे पास, 108, 108, 108, लेट्स सी, 108, 108, 108, 108, हाँ ठीक है ये तो ठीक है, 108 तो ठीक है, 108 चलो, 109, 109 आई विल लीव, आई विल नॉट डू 109, ये मेरा नहीं, मच्छा चलो मार्क करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा देखा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू नीश, नीश तुम्हारा हैबिटेट, नीश इंक्लूड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, आई थिंक इट इज करेक्ट, नीश इंक्लूड डाइवर्सिटी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नीश इंक्लूड द रेंज ऑफ हैबिटेट कंडीशन, नीश टू को एग्जिस्टिंग सीरीज दैट शो कंप्लीट ओवर, आई थिंक ये होगा डी होना चाहिए, 109 का डी है, मैं तुक्का मार रहा हूँ, कंप्लीटली तुक्का मार रहा हूँ 109 पे, ठीक है, 109 का डी है, मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, 109 का मैं डी कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, 109 का मैं डी कर रहा हूँ, मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, अब आते हैं 115, 115 देखना है हमको, 115 मेरे पास 6 मिनट है अभी, 115, हाँ ठीक है ये तो सेल साइकिल होगा उसको, क्या 115 के बाद है 119, 119 पिरामिड, ठीक है ये भी ठीक है, इस पर दिमाग नहीं लगाना, 120, 120 यार इसमें मुझे डर लग रहा है, 120 क्या है यार, पूरा काट रहा है ना, अगर स्टिकी एंड कट रहा है तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड हटा रहा है, न्यूक्लियोटाइड हटा रहा है तो शुगर बैकबोन काट रहा है, आई थिंक शुगर फॉस्फेट बैकबोन काटेगा, बैकबोन लेकिन बीच में बेस पेयर भी तो कट रहा है, बेस पेयर को हटा लेकिन नहीं रहा है ना, बेस पेयर को हटा नहीं रहा है, बिटवीन टू बेस पेयर्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कट डीएनए एट फॉस्फेट ग्रुप पे काटता है, फॉस्फेट एंड बेस, अगर फॉस्फेट और बेस हटा रहा है, लेकिन यार फॉस्फेट सिर्फ फॉस्फेट नहीं हटा रहा ना, पूरा बैकबोन ही तो काट के अलग कर रहा है, शुगर भी तो कट ही रहा है, आई थिंक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक इसका डी होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, चलो एक और तुक्का मारते हैं, 120 का डी मैं कर रहा हूँ, ठीक है 120 का मैं डी कर रहा हूँ, 5 मिनट है मेरे पास, 120 के बाद कौन सा है, 123, 123, 123, 123 तो चलो ठीक है, कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ये तो गलत होगा तो होगा, 136, 136, 33, 34, 36, चलो ठीक है ये भी ठीक है, 140, 140, 140, 140, हाँ ठीक है ये भी ठीक है, इसमें क्या ही होगा, 141, 141, आई थिंक आई विल गो विथ चेंजेस इन जी एन आर एच पल्स फ्रीक्वेंसी, जी एन आर एच पल्स फ्रीक्वेंसी इन प्रोजेस्ट्रॉन, आई थिंक यार प्रोजेस्ट्रॉन का मेजर रोल प्ले नहीं होता, देखो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तुम्हारा जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फिर कम होता है, कम होता है तो ये प्रेगनेंसी होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल, आई थिंक आई विल गो विथ डी, चलो देखते हैं, 141 का डी मेरा गलत होगा, ये मेरा गलत होगा, इसका मुझे दुख होगा, ठीक है 141 का आई विल गो विथ डी, ठीक है
141 का आई विल गो विद डी, इसका आंसर तुम लोग देखना क्या होगा, 141 का आई विल गो विद डी, ठीक है। और कौन सा है, 141 है, फिर 156, 156, 156 है, 4 मिनट मेरे पास टाइम तो बहुत है लेकिन सवाल नहीं आ रहा, 156, 156 आइए तो ठीक है, 156 तो आई एम, ठीक है 156, ठीक है, बाकी तो हो ही गया, बाकी तो हो ही गया, ठीक है। आई एम, आई थिंक आई हैव डन, आई हैव डन, आई विल स्टॉप द टाइमर, आई हैव डन इन 35 मिनट्स, ठीक है, आई हैव डन इट इन 35 मिनट्स, सो आई विल स्टॉप द टाइमर, ठीक है। अब बताओ तुम लोगों को कौन कौन क्वेश्चन मेरा गलत लग रहा है, अब बताओ तुम लोगों को कौन कौन क्वेश्चन मेरा गलत लग रहा है, 156 का ए, चलो तुम लोगों को कौन कौन क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरा बताओ, बता, 129 गलत है, 129, 129, अच्छा 129 नहीं किया मैंने, सॉरी 129 नहीं किया, अच्छा सॉरी सॉरी छूट गया छूट गया छूट गया, 129, 129 मैंने नहीं किया ना, एक सेकंड रुको, 129 मेरे पास टाइम था 3 मिनट यार, ऐसा नहीं है, 129 लेट्स सी, 129, 129, 129 क्या था, सॉरी ट्रांजिशन बफर कोर, ठीक है, ट्रांजिशन जोन इज नॉट अ प्रोटेक्टेड एरिया, आई थिंक ए होना, कोर जोन इज ऑक्यूपाइड बाई इंडेंजर्ड स्पीसीज ओनली, कटिंग इज अलाउड, ये तो डी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ट्राइबल मैन लिव देयर अलाउड इन ट्रांजिशन जोन, ये भी नहीं है, ये बफर जोन में होता है, ट्रांजिशन नहीं बफर जोन में होता है, ठीक है, बफर जोन में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी, लिमिटेड एक्टिविटी, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सी और ए में हम कंफ्यूज है, सी और ए में कंफ्यूज है, मेरा रूल होता है मार्क दिया करो, तो ट्रांजिशन जोन प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, आई थिंक ह्यूमन एक्टिविटी होता है ट्रांजिशन जोन, तो ए हो जाएगा आंसर, आई थिंक ए होगा इसका आंसर, ठीक है, 129 का ए कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है 129 का मैं ए कर रहा हूँ, ठीक है, माई टाइम इज अप, चलो खत्म। अब बताओ बेटा कितना तुम लोग को लग रहा है मेरा गलत होगा, कितना तुम लोग को लग रहा है गलत होगा मेरा बेटा, कितना तुम लोग को लग रहा है ये गलत होगा, 129 मैंने, 130 मैंने किया है ना, 129 किया, 130 किया, चलो अब एक बार आंसर देखते जाते हैं, बताते हैं ना सही है गलत है, ठीक है। 120 का 2 है, 120, 120 का 2 है, 120 कौन सा है, चलो अब देखते हैं कितना सही है मेरा, कितना सही है, 120, 120, 120, 120 कौन सा है, 120 बेटा 2 बेस पे देखो ना, हम किस लिए कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन, 141 गलत है, 141, 141 का कौन सा है, 141 गलत, यार 141 में कैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कैसे होगा, कितना हुआ स्कोर मेरा, कितना हुआ, चलो बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, मैं रिव्यू करूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है जल्दी बताओ, एक आंसर करो, एक आंसर करो, मुझे कोई पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दो ना, कौन कौन सा गलत है, उठा के पटक देंगे, नो मार्क्स, 129 का मार्क्स मुझे मिलेगा, आपके 340 आएंगे, चलो मैसेज, नहीं नहीं निसल ग्रैन्यूल्स वाला तो सही है यार, निसल ग्रैन्यूल्स वाला तो ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स दोनों में होगा, ठीक है निसल ग्रैन्यूल्स वाला तो ठीक है ना, चलो आई विल वेरीफाई इट, सुनो एक काम करते हैं, मैं इसको भेज रहा हूं, ठीक है इसको मैं भेज रहा हूं, ठीक है मैं इसको भेज रहा हूं, मैं इसको भेज रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको भेज रहा हूँ, उसके बाद आई विल सी हाउ मेनी आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आर रॉन्ग, ठीक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तुम लोग को किसको डाउट होगा वो देख लेंगे हम लोग, डिसाइड कर लेंगे, मैं मार्क्स रिवील करूंगा कल के क्लास में अपने, ठीक है मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे तुम लोग को भेज रहा हूँ, मैं मार्क्स कल के क्लास में रिवील करूंगा, ठीक है आई विल रिवील द मार्क्स इन टुमारोज क्लास, आई होप आई हैव डन वेल, ठीक है अब भगवान जाने जो होगा देखा जाएगा, अब मैं अपने प्लस ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, प्लस ग्रुप वाले को पता होगा ज़्यादा कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, चलो आई विल रिवील द मार्क्स इन द टेलीग्राम, ठीक है आई विल रिवील द मार्क्स इन द टेलीग्राम, आई होप यू इंजॉयड द सेशन, आई होप यू इंजॉयड द सेशन, ठीक है चलिए आंसर की बेटा मेरे पास आंसर की थोड़ी है, मुझे किसी कोई बच्चे ने भेजा, बच्चा बताएगा आंसर की किसका है, वो प्लस वाला कोई बच्चा बताएगा, मेरे पास कोई आंसर लिखी नहीं है, ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, मैं क्वेश्चन भी अभी सेंड कर देता हूँ, आंसर भी मैं आपको देखता हूँ, अगर बच्चे के पास आंसर की होगा तो मैं मांग लूंगा, जिसने मुझे भेजा है मैं उससे आंसर की लेके मांग के आपको बताता हूँ, ठीक है। हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन, मजा आया, मजा आया बच्चों सेशन में, मजा आया हाँ या नहीं, मजा आया बेटा,
चलो चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, चल ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यू कैन चैलेंज मी। यार देखो, बेशरम आदमी है ठीक है, तो यू कैन चैलेंज मी। किस्मत की बात थी, प्लांट किंगडम पे भयानक क्वेश्चन सब नहीं था। पता नहीं ये कैसा पेपर था, प्लांट किंगडम पे भयानक क्वेश्चन नहीं था, वो तो शुक्र मनाओ ठीक है। किस्मत, अच्छा कॉकरोच वाला सही हुआ क्या? कॉकरोच वाला सही हुआ ये बताओ तो, कॉकरोच वाला सही हुआ क्या बच्चे? कॉकरोच वाला सही हुआ क्या? अरे वाह, इसके लिए तो डांस बनता है। कॉकरोच वाला सही है तो इसके लिए तो डांस बनता है। एनीवे चलो, आई सी यू इन क्लास, बाय बाय, टेक केयर गाइस। कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, और तुमको कौन सा आंसर मेरा गलत लग रहा है, मेरे मार्क्स बताना तुम्हारे हिसाब से मेरे मार्क्स कितने हैं, और इसको सीक्रेट अपने तक ही रखना ठीक है। बेइज्जती सरेआम नहीं करना मेरा ठीक है। यार देखो, एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट विद वॉट आई डू ठीक है। मतलब अब नहीं आता कुछ चीज़ तो नहीं आता। मैंने पढ़ा था वैसे, अभी मैं जानते हो 9:30 बजे से आसपास 1 घंटा मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा था, बट प्लांट किंगडम पे ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था। चलो आई सी यू इन क्लास, बाय बाय, टेक केयर, एंड कल सुबह 6:30 बजे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सुबह सुबह हम लोग क्लास करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कल सुबह 6:30 बजे ठीक है। सो आई सी यू इन क्लास, बाय।